हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का शीतल उत्तराखंडी ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों, आज है हमारे इधर इगास। तो इगास मतलब कि जब दीपावली हो जाती है उसके 11वें दिन हम मनाते हैं इगास। कहीं कहीं इसको बूढ़ी दीपावली भी बोला जाता है, इगास भी बोला जाता है। तो हमारे इधर दीपावली के जैसे ही इगास को भी मनाते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इगास को मनाते हैं हमारे इधर। किधर कहीं कहीं नहीं मनाते हैं, कहीं कहीं मनाते हैं, तो हम मनाते हैं इगास को। तो वही ब्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले सुबह को मैं आल के पकौड़े बनाऊंगी दोस्तों, और आज का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बनिए रहे मेरे ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं पकौड़े बनाऊंगी मैं। तो दोस्तों, मैंने ये तैयारी कर दी है ये पकोड़े बनाने की। तो ये है काली दाल के पकोड़े दोस्तों, उड़द की दाल के पकोड़े। यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो के रख दिए हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा मैंने तिल ले रखे हैं, और इस बार मैंने थोड़ा सा कमी दाल भिगो रखी है, पीस रखी है, और सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं ये पकौड़े दोस्तों। थोड़ा सा इन पर तिल लगा रखे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तिल लगा के ये उड़द की दाल के पकौड़े। तो ये अभी आप देख सकते हो, मैं अच्छी तरीके से इनको पलट दूंगी। अच्छी तरीके से सेकने पड़ते हैं, और अच्छे से फूले फूले से ये पकोड़े बने थे। मैंने थोड़ा सा ही बनाए थे, क्योंकि ये शुभ माना जाता है हमारे इधर, तो इसलिए बनाते ही हैं जैसे जिन त्योहारों को हम मनाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ सुमति के कमरे पे। यहाँ पे सुमति भी इगास के लिए पकौड़े बना रही है, आलू के, गोभी के। तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ मैं। तो ये है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये लोहे की कढ़ाई पे ये बना रहे हैं हम पकोड़े, और जब पूरे बन जाएंगे तो आपको बताऊंगी मैं। ये गोभी के भी बनाने हैं वाले, इसने आज बहुत सारे पकोड़े बनाने हैं बहुत सारे भी नहीं है, पर थोड़ा ही है। आलू के पकोड़े वैसे भी बनाने दिखते जा रहे हैं, होते वो कम ही है। तो चलिए दोस्तों, पहले बना लेती हूँ, तब आपसे मिलते हैं, थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, ये अभी आप देख सकते हो, ये आलू के पकोड़े बना रही हूँ मैं। तो आलू को इस तरीके से गोल गोल शेप में काट रखा है, और साइड में गोभी भी कट रही है। और मैंने बेसन में इसे अच्छे तरीके से, जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, और इसमें रखूँगी मैं, आपको बता रही हूँ मैं ये। तो ये अभी आप देख सकते हो, ये प्याज के पकौड़े हैं। तो अभी ये गोभी के पकौड़े हैं, गोभी के पकौड़े भी बनाए। तो ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गोभी के पकोड़े भी, और ये हैं प्याज के पकोड़े दोस्तों। तो मैं अभी आपको बता भी रही हूँ एक एक करके। और ये बना दिए हैं आलू के पकोड़े। तो ये आलू के पकोड़े, गोभी के पकोड़े और प्याज के पकोड़े ये बनाए हैं दोस्तों, और दाल के पकोड़े। तो यही बनाए हैं इगास पे हमने। तो ये अभी आप देख सकते हो, अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए थे ये गोभी के पकोड़े। और जो ये गोभी है, इसको पहले हल्का सा बॉयल करना है, उसके बाद इसमें जो बेसन है इसको घोल के डालना है दोस्तों, और इसी तरीके से एक एक करके डालना है, एक साथ ही नहीं डालना है वो। तो ये अभी आप देख सकते हो, मैंने एक परात में ले रखा है बेसन को घोल, और एक एक करके मैं इसको बेसन में मिला रही हूँ, अलग अलग करके डालना है गोभी को। गोभी के पकोड़े इसी तरीके से बनाए जाते हैं, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गोभी को। पहले ही मैं आपको बोल रही हूँ, पहले एक उबाल आने देना है, उसके बाद ही बेसन में लपेटना है इनको, फिर उसके बाद इन्हें डीप फ्राई करना है दोस्तों। तो ये अभी आलू के चिप्स भी हमने बना दिए थे। तो ये अभी आप देख सकते हैं, आलू के चिप्स की रेसिपी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आदि बाबू, कैसी हो रही पकौड़ी? अच्छी हो रही है। हाँ। ये है आलू की पकौड़ी, ये है दाल की, तो थोड़ा सा ही बची हुई है। तो ये आलू की पकौड़ी का बीज का एक छोटा सा क्लिप है, इसमें फिर लाल मिर्ची भी ऐड कर दी थी मैंने। तो ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, छोटा सा क्लिप ले लिया था ये मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए। तो दोस्तों, ये थी बूढ़ी दीपावली के पकौड़े, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, प्याज के, आलू प्याज के और गोभी के और आलू के और दाल के पकोड़े मैंने आपके साथ शेयर किए। और बाकी ये पनीर रोल की रेसिपी मैं कल डाल दूँगी, आप देख सकते हो। इस वीडियो में डालती तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो।
तो दोस्तों ये अभी आप देख सकते हैं बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं इगास को। तो ये फुलझड़ियाँ जला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार है दोस्तों ये इगास। हम क्योंकि अच्छे तरीके से मैंने पहले ही आपको बोला था कि जैसे दीपावली मनाते हैं, बड़ी दीपावली छोटी दीपावली, वैसे ही हम इगास को भी मनाते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। बच्चों ने भी खूब मज़े किए जैसे दीपावली के जैसे ही, और बहुत अच्छा माहौल बन गया था। तो ये अभी आप देख सकते हो बच्चे खुश हो रखे हैं और जला रहे हैं फूलझड़ियाँ, बहुत सारे पटाखे भी फोड़े बच्चों ने। तो ये अभी मैं भी एक फूलझड़ी, मैंने भी सोचा मैं भी ले लूँ एक फूलझड़ी और मैं भी जला लूँ और मैं भी थोड़ा सा इगास को मना लूँ दोस्तों। तो ये अभी अनार जल रहा है, अनार भी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो नीचे गिरनी बोलते हैं इसको, तो ये चल रही है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। तो ये अभी आप देख सकते हो, मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। तो दोस्तों इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, रात की 9:30 हो गए हैं और मुझे उम्मीद है दोस्तों ऐसे आपसे कि आपको ये इगास का ब्लॉग मतलब बूढ़ी दीपावली का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। अभी देख सकते हैं आप 9:30 हो गया है।